बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन एज द नेम इंडिकेट्स, हेलोजन की एडिशन। ठीक है, ये आप साथ साथ लिख लिया करो नवाल, क्योंकि आगे ना जब आप बड़ी क्लासेस में रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही नाम जो है वो दिए जाएंगे, आपको खुद गैस करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, जो हमने ऊपर हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, बच्चे उसको मिक्स कर सकते हैं ना, राइट? हेलोजिनेशन की जगह वो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन की जगह हेलोजिनेशन लिख के आ सकते हैं। तो हेलोजिनेशन हेलोजिन से निकला है, यानी हेलोजिन्स की एडिशन। एशन वाला वर्ड क्या है? एडिशन से आया है कि अल्केन्स के अंदर हेलोजन एटम्स की एडिशन करवा दी जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन कहा जाता है। यस मैम। ठीक है, अब क्या है कि दैट ये जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस होता है दैट अकर्स बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको बताती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके। अभी जो हम चीज स्टडी करने लगे हैं दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक चीज को दूसरी जगह चीज से। ठीक है, यानी ये कि हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, उसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, किसी और चीज को ला के रख देते हैं जो कि उसकी जगह पे फिक्स आ जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब रिएक्शंस में चूंकि ये प्रोसेस होगा तो इस वजह से इस तरह के रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे हेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है ना बच्चे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास एक अल्केन है, CH4 है। ठीक है, मैं इसके ना तीन हाइड्रोजन एटम्स को इकट्ठे लिख लेती हूँ, एक को अलहदा करके लिख लेती हूँ, CH3 एंड एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, हेलोजन का एक मॉलिक्यूल इसके अंदर ले आती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हेलोजन का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इसमें से एक एटम, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इसमें से जो एक एटम है वो हाइड्रोजन की जगह आके फिक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे CH3X बन जाएगा, तो बाकी ये रिएक्शन आने इम्पोर्टेंट है कि ये H और ये X कहाँ गए। मेन रिएक्शन क्या था कि ये X जो है वो इस H की जगह आके सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन असल में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इस दूसरे X के साथ कंबाइन होकर HX बना देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एम आई क्लियर नवाल? ओके, सो ये वाले जो रिएक्शंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिसमें एक जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ना, उनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय अनदर ग्रुप जो कि किसी और मॉलिक्यूल से आया होता है। तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नया आता है वो पहले वाले की जगह इजीली घेर लेता है, पहले वाले की जगह में इजीली फिक्स हो जाता है, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है आके। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखिए असल में क्या है कि हेलोजिनेशन का जो रिएक्शन होता है उसमें जो अल्केन्स होते हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है इट अकर्स इन सनलाइट। दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि ये जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन होगा ये किस में होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एन अल्केन एंड हेलोजन इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन अल्केन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हुए थे? एक।
इससे आगे क्या होगा, स्टेप बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाएगा बाय द हैलोजन एटम्स, यानी हैलोजन एटम्स क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स को इन द अल्केन्स। देयरफॉर इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, मीथेन जो कि एक अल्केन है उसका रिएक्शन हम देख लेते हैं विद क्लोरीन जो कि हेलोजन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। ऊपर के जो रिएक्शंस मैंने आपको समझाए थे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजनेशन, उनमें मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, निकल, फिर इसके साथ साथ प्लैटिनम, पैलेडियम, यहाँ पे जो है वो एक्वस एसिड वगैरह उसकी कंडीशंस बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन है डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। अच्छा अब असल में क्या होता है, जब हम मीथेन को यानी CH4 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो असल में यही रिएक्शन होता है। यहाँ पे X के बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। यस मैम, लेट्स राइट द रिएक्शन अगेन। यहाँ पे हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होगा, मीथेन का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और मतलब ये इसके साथ आगे कंबाइन हो जाएगा और एक जो है वो इसकी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो CH3 के साथ Cl आके अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो दूसरे Cl के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, HCl बनता है, ठीक है। ये एरो असल में जाएगा, एक एरो यहाँ से, क्योंकि क्लोरीन ने इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है ना और ये हाइड्रोजन लूज हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब क्या बना हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड, राइट, ये मैंने आपको नेमिंग सिखाई थी हैलोजन हैलोजन्स के एडिशन में, ठीक है, दिस इज CH3Cl। अब क्या है, इस CH3Cl के पास अभी तीन और हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, तो अगेन ये डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, अच्छा डिफ्यूज सनलाइट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, क्लोरीन के दो एटम्स यानी एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का यहाँ पर अगेन रिएक्शन के लिए आ रहा है, ठीक है, लेट मी जरा गेट इन टू दिस कि अभी हम सब्स्टिट्यूशन ही हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ओके अच्छा यहाँ पर क्या आ गया, अगेन ये आ गया, ये क्लोरीन जो है वो आके अगेन इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो लूज हो जाएगा और वो हाइड्रोजन किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो अगेन एक HCl बन जाएगा और यहाँ पे अब इसके पास तीन हाइड्रोजन थे लेकिन अब क्या हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन रह जाएंगे और जो एक हाइड्रोजन अभी लूज हुआ था उसकी जगह क्या होगा, एक और क्लोरीन आ गया ना, यस मैम, तो पहले से एक क्लोरीन था तो अब क्या हो गया, Cl2, समझ आएगी यहाँ पे नवाज बात की। यस मैम, आ गया। देखो पहले यहाँ पे क्या था, पूरी कहानी मैं दोबारा से समझाती हूँ, पहले यहाँ पे था सिर्फ कोई भी क्लोरीन नहीं था, सिर्फ CH3 हाइड्रोजन था, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन एक एटम था उसने आके ये हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा क्लोरीन एटम जो है वो आके इसकी जगह पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये बन गया CH3Cl। नाउ इसी कंपाउंड को मैं अगर एक Cl2 के साथ दोबारा रिएक्ट करती हूँ, ठीक है, तो एक क्लोरीन अगेन एक हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी तो ये CH2 हो जाएगा और एक क्लोरीन अगेन इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाएगी तो ये Cl2 बन जाएगा, क्लियर। यस मैम, अभी इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट स्टेप और करते हैं क्योंकि अभी भी दो हाइड्रोजन है मौजूद, अगेन डिफ्यूज सनलाइट होगी और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो अगेन एक क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH, और Cl2 था तो अब क्या बन गया, Cl3, क्लियर।
और साथ में जो यस हाइड्रोजन मैम। निकला था वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होके HCl बना देता है। यस मैम। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स अनदर रिएक्शन। इसी में अभी एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है, राइट? अगेन क्लोरीन का एटम आता है, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो CCl4 विद HCl। एम आई क्लियर नवाल? यस मैम क्लियर। ओके, अब देखो ये वाला जो कंपाउंड पहले बनता है इसको कहा जाता है क्लोरोमीथेन, ओके मैम। जिसमें सिर्फ एक क्लोरीन एटम है। इससे नेक्स्ट जब ये रिएक्शन करता है विद क्लोरीन तो ये आ जाते हैं, दो क्लोरीन के एटम्स आ जाते हैं ना इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, डाई क्लोरोमीथेन। मीथेन के ही रहना तो ये मिथाइल बन गया। नवाल ये जो उन्होंने नेमिंग पैटर्न यूज किया है ये उन्होंने कॉमन नेमिंग पैटर्न यूज किया, IUPAC नेम यूज नहीं किया, वरना ये लिखते ही ना अल्काइल हेलाइड। यस मैम। समझ आ रही है बात की? अब यस मैम। तब वो अल्काइल वाला नाम मेंशन करते, लेकिन उन्होंने यूज ही कौन सा नेमिंग पैटर्न यूज किया है, कॉमन नेमिंग वाला यूज किया। ओके मैम। ये ना आप जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप करवाया था हेलो अल्केन्स वाला, फंक्शनल ग्रुप वाली प्लेलिस्ट यस में जाके उसको एक दफा दोबारा लाजमी देखिएगा, ठीक है? ओके मैम। अब दो क्लोरीन एटम्स आ गए तो इट इज डाई क्लोरोमीथेन, फिर तीन आ जाएंगे तो देयर फॉर इट इज ट्राई क्लोरोमीथेन। यस मैम। इसी ट्राई क्लोरोमीथेन को जनरली क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, नहीं कहा जाता क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तो बंदा बेहोश हो गया, ये वो वाला यस क्लोरोफॉर्म मैम। है, ठीक है? देन जब सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं देन इट इज टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर, टेट्रा क्लोरोमीथेन, यस मैम। ठीक है? और इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं। क्लियर? यस मैम क्लियर। अच्छा, मीथेन के साथ नवाल जो ये रिएक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड सनलाइट में होता है, यानी ये कि कंप्लीट सनलाइट नहीं यूज करनी आपने, उस सनलाइट का थोड़ा कम पोर्शन यूज करना है। क्यों? यस क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो मीथेन और क्लोरीन इतने शदीद एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं कि एक एक्सप्लोजिव सा हो जाता है, मतलब धमाका सा फट जाता है, ठीक है? और क्या होता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कार्बन बेचारा अकेला रह जाता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? यस मैम क्लियर। अब देखो जैसे आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो वैसे वैसे आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाता है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे, कि आपके पास मिक्सचर में अब आपके पास क्या होगा, क्लोरोमीथेन भी होगा, डाइक्लोरोमीथेन भी होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन भी होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन भी होगा। फिर आप क्या करोगे, आहिस्ता आहिस्ता इन सबको एक दूसरे से अलग अलग करते चल जाओगे। देयरफॉर दे आर सेइंग कि यू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यस मैम। ओके, द ट्रेंड से रीड आउट करो। क्लोरीन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली क्लोरीन रिएक्ट स्लोली इन डार्क एट रूम टेम्परेचर बट रैपिडली इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग सनलाइट। आयोडीन इज एसेंशियली अनरिएक्टिव। फ्लोरीन के केस में अगर आप जरा सी लाइट भी देते हो ना या लाइट नहीं भी देते तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, धमाकेदार होता है, ठीक है? क्लोरीन के केस में आप क्या करोगे, डिफ्यूज सनलाइट जनरली यूज करोगे, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग सनलाइट यूज करोगे तो क्या होगा कि रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, ये ऊपर वाला। यस मैम। ब्रोमीन के लिए आप क्या करोगे, ब्रोमीन जो है वो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इट इज लेस रिएक्टिव, इस वजह से आप क्या करोगे कि ब्रोमीन के लिए आप स्ट्रॉन्ग सनलाइट दोगे, मतलब फुल सनलाइट दोगे, या फिर आप क्या करोगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। यस मैम।
और आयोडीन क्या है, इट इज अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट ही नहीं करता विद द अल्केन्स। क्लियर? मैम ये रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन के साथ पढ़ना है या बाकी सबको भी इसको करना है? अभी आप क्लोरीन के साथ ही करो, ठीक है? और क्योंकि फ्लोरीन के साथ तो आपको समझ आ रहे ना कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, ठीक है? तो आप क्लोरीन के साथ करो, लेकिन ये आपको इन्होंने दिया है विद द मीथेन। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, डू इट विद द इथेन। सॉल्व करो और फिर जो है वो इसको करके दिखाओ मुझे, पीडीएफ बना के आप मुझे भेजोगे, ठीक है? यस मैम, फिर हम यहाँ लाइव क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही होता है, फिर हम कल इंशाल्लाह कंबशन भी स्टार्ट करेंगे और फिर हम अल्कीन्स को भी स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम।